प्रोग्राम कंडक्ट किया गया। इस प्रोग्राम में 200 से भी अधिक पुलिस ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया। टोटल 350 घरों को चेक किया गया। 73 व्हीकल्स, टू व्हीलर जिनके पास कागजात सही नहीं पाए गए उनको रिलीज किया गया। एक फोर व्हीलर भी सही कागजात नहीं पाए जाने की वजह से हमारा कॉर्डन सर्च का मकसद होता है आवाम को ये मैसेज देना कि पुलिस उनके हर गिरफ्तार नहीं कर सकती। किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो वो पुलिस के पास आ सकते हैं, मदद करेंगे और जो जरूरत उनकी हम पूरी कर सकते हैं वो करेंगे। जो हम नहीं कर सकते या किसी और डिपार्टमेंट के परिधि में जो आता है उसके लिए हम सर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। हाल ही में हैदराबाद पुलिस के द्वारा नए इनिशिएटिव लिए गए हैं। इस प्रोग्राम के दौरान हम आवाम को उससे भी वाकिफ कराते हैं। ही टीम के साथ साथ हाल में वाउ वुमेन एंड व्हील का एक टीम भी जो वुमेन पुलिस पेट्रोलिंग टीम है उसको भी लॉन्च किया गया है। उनका मकसद है ब्लू कोल टीम की तरह ही सड़कों पर घूमना और महिलाओं में वुमेन के लिए भरोसा दिलाना, खास करके बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेजेस जहाँ पर उनको ज़्यादा संख्या में वुमेन होती हैं, खास मौके पर शाम के समय 10 बजे सुबह के समय में उनको ये भरोसा दिलाना कि ये शहर आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, आप कभी भी किसी भी जगह पर जा सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, चैन का माहौल। उसके साथ ही साथ इस महीने से हम लोगों ने यहाँ जॉब कनेक्ट प्रोग्राम भी शुरू किया है। इस जॉब कनेक्ट प्रोग्राम के द्वारा मीर चौक पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी एक स्टार्टिंग प्रोग्राम में 200 से अधिक एम्प्लॉयमेंट दिया गया। इसमें करीब 1000 से अधिक लड़कों ने भागीदारी की। इसमें कई लड़कियां भी जो लेडी एक्सपीरियंस थी वो भी आई, उनको भी जॉब मिला। अब एक बड़ा प्रोग्राम हम फलकनुमा में 19 को करने जा रहे हैं। इसमें 25 से भी ज़्यादा कंपनियों के आने की संभावना है और उनके एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2500 से भी ज़्यादा वैकेंसी उनके पास रहेंगी। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी एक्सपीरियंट्स हैं, जिनके पास भी डिग्री है, जिनके पास भी है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आएँ। हमारी पूरी कोशिश होगी कि साउथ जोन में हम जितने अधिक से अधिक लोगों को उनके ड्रीम्स एस्पिरेशन के रास्ते पे उनके जॉब के माध्यम से हम उनको एक लाइवलीहुड देने का कोशिश कर रहे हैं। और एक बार अगर किसी आदमी के अंदर एक काबिलियत आ जाती है तो वो आगे ही बढ़ता जाता है, पीछे कभी नहीं लौटता। तो ये एक शुरुआत है और हमारी कोशिश ये होगी कि इस पर हम आपको चलने में आपकी मदद कर सकें। और आपसे मेरी ये गुजारिश होगी कि आप भी चलने के लिए तैयार रहें। अभी चलेंगे तो कल दौड़ेंगे भी, लेकिन पहले चलना शुरू करना होगा हमें।